नमस्कार। इस समय पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है, जहां एक तरफ लोगों के बीच अपने नेता को चुनने और उसे सपोर्ट करने की होड़ देखी जा रही है, तो वहीं अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे पर चुनाव को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। कई पार्टियों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और चुनाव आयोग इस पूरे विषय पर चुप्पी साधे हुए। ऐसा ही एक बार फिर से आरोप लगाया है टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बीजेपी फॉर कर्नाटका की तरफ से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था। आईटी एक्ट 2000 के तहत नियुक्त चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी ने एक्स को पत्र लिखकर पोस्ट को तुरंत हटाने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने 5 मई को बीजेपी फॉर कर्नाटका को अपने एक्स हैंडल से यह पोस्ट हटाने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कर्नाटक बीजेपी को पत्र लिखकर यह पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि इस पोस्ट को नहीं हटाया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए एक्स को इस पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज करवाया जा चुका है। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी यूनिट ने बीते 4 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया। आरक्षण विवाद को लेकर बनाए गए इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कार्टून दिखाया गया है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद कांग्रेस ने 5 मई को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीडियो के जरिए भाजपा कर्नाटक में दंगे भड़काना चाहती है। आपको बताते चले कि इस पोस्ट को हटाने का निर्देश उस दिन आया जब कर्नाटक में बाकी बचे 14 सीटों के लिए मतदान हो रहा था। 7 मई को बेलगाम, उत्तर कन्नड़, सिमोगा और गुलबर्ग समेत 14 सीटों पर मतदान हुआ। राज्य के 28 लोकसभा सीटों में से 14 सीट पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। ताज़ा अपडेट ये है कि जब क्लिक इंडिया की टीम ने ट्वीट ढूंढा तो वह ट्वीट डिलीट किया जा चुका था। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें क्लिक इंडिया।